समस्याओं की सुनवाई न होने पर किया चुनाव बहिष्कार। अधिकांश क्षेत्रों में लगे चुनाव बहिष्कार के बैनर। क्षेत्रीय वासियों का कहना, पहले विकास फिर वोट। आगरा शहर के अधिकांश स्थानों में चुनाव बहिष्कार और नेताओं की गुमशुदा के बैनर लगे हैं। ऐसा ही एक मामला शमशाबाद रोड रश्मि विहार कॉलोनी में देखने को मिला, जहां सभी कॉलोनी वासियों ने रोड नहीं तो वोट नहीं चुनाव बहिष्कार के बैनर लगा रखे हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है, पिछले 24 सालों से नाली और सड़क का कोई निर्माण नहीं हुआ, जिसके कारण बारिश के मौसम में रोड पर जल भराव हो जाता है और कॉलोनी में मौजूद 3 स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने आने वाले बच्चों और कॉलोनी के लोगों को बहुत मुश्किलें होती हैं, जिसकी शिकायत कई बार अधिकारियों से की गई है, सत्ताधारी नेताओं से की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब देखना ये होगा कि इन कॉलोनी के लोगों की समस्या का समाधान हो पाएगा। नव भारत समाचार उत्तर प्रदेश से योगेश चौहान की रिपोर्ट। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम रजनी सिंह है। अच्छा, ये आपके जो रश्मि बिहार में जो चुनाव बहिष्कार के रिपोर्ट लगे हैं उसके बारे में जरा कुछ बताइए। भाई, हम लोग चुनाव बहिष्कार इसीलिए क्यों किया है, क्योंकि हम लोग यहाँ का विकास चाह रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं रोड बन जाए, सारे साधन जो सुविधाएं मिलती है, सब कॉलोनी में जैसे कहा गया कि विकास किया जा रहा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। रोड जो है ना, कब से समस्या? रोड की समस्या, रोड की समस्या जब से कॉलोनी बनी है और आज से 20-25 साल से यही व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं। इसके लिए आपने लोगों ने कॉलोनी वासियों ने प्रयास नहीं किया, कहीं कोई गुहार नहीं लगाई? हाँ जी, हमने सबसे गुहार लगाई जा रही है, मंत्री जी के पास, संतरी जी के पास, विनायक नवीन जैन जी के पास। भाई, हम लोगों ने जिसको आश्वासन मिला कि उसके पास चले जाइए, काम हो जाए, हम सबके पास गए। क्या आश्वासन देते, क्या बताया? हमको यही आश्वासन मिलता कि काम शुरू हो जाएगा, आपकी फाइल आगे बढ़ा दी गई है। जैसे कि देखा गया कॉलोनी में कई रोड छूटी हुई है, कहीं यानी कि थोड़ा बहुत जो टुकड़ा बना है, उसके पीछे क्या कारण? उसके पीछे का कारण यही है, अब ये तो यही लोग, नेता नगरी लोग ही जाने कि उनको क्या जेब भर दी आती है, क्या कर दिया जाता है, इधर का काम कर दिया जाता है, इधर का सौतेला बिहार छोड़ दिया जाता है। भाई, हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा विकास हो, हमारे रोड बने, कॉलोनी का विकास हो, सही तरीके से काम हो। अगर कोई दीजिए सुषमा लता वर्मा। जिस तरह से आपकी कॉलोनी का चुनाव बहिष्कार के बैनर लगे हुए हैं और आपका इसका कारण यही है कि यहाँ हाल बेहाल है, सब लोग बहुत परेशान हैं। आगरा में ग्रीन आगरा, क्लीन आगरा, स्मार्ट सिटी, ये सब है, ये सब बस दिखावा है। हकीकत अगर देखनी है तो यहाँ ऐसी और भी कई जगह है जहाँ पे आपको हकीकत पता चल जाएगी, और इसी ही कारण है कि जब तक यहाँ सड़क नहीं तब तक इस कॉलोनी से कहीं वोट नहीं। क्या सभी कॉलोनी वासियों का चुनाव बहिष्कार का जो आपका कहना है, सभी कॉलोनी वासियों मत की? जी हाँ, सबका एक मत है, हम सब लोगों ने एकजुट होकर कई बार प्रयास भी किया है, लास्ट में यही निर्णय लिया है कि जब तक सड़क नहीं तब तक वोट नहीं। आपकी इसकी शिकायत आपने कई बार? जी, आपको जैसे कि मैडम ने बताया, भैया ने बताया, वही स्थिति है कि यहाँ पे शायद ही कोई छोड़ा, अगर प्रधान है, प्रधान जी से संपर्क किया गया, पार्षद जी बोला कि समय नगर निगम में आ गया है, ये है वो है, उनसे संपर्क किया, नवीन जैन जी से संपर्क किया गया, मैडम ने बताया था, धनमंत्री जी से संपर्क किया गया, कुछ नहीं है, बस यही मिलता है कि आप परेशान मत होइए, आपका काम हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा, अति शीघ्र हो जाएगा, बस उसके बाद यहाँ कुछ नहीं। बीजेपी के 5 साल के कार्यकाल के अंदर जिस तरह से आपका निर्माण नहीं हुआ है, आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी, क्या सोच है? सर, हमें पार्टी वार्टी से कुछ इस समय लेना देना नहीं, हमारा मेन मुद्दा है वो हमारा है, जो काम कराएगा उसको वोट देंगे, बस। परिचय दीजिए। डीएल कुमार गर्ग। जिस तरह से आपकी कॉलोनी के अंदर चुनाव बहिष्कार के बैनर लगे हुए हैं, क्या कारण है इन बैनर लगाने का? क्या कारण हुआ है, ये हमारे सपनों का भारत है, यहाँ से वहाँ तक देख लो, ये हमारा स्मार्ट सिटी क्या हो रहा है, सारे आश्वासन मिलते हैं, ग्रीन आगरा, क्लीन आगरा, सारी तरह की बातें होती है, पर होता कुछ नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं आता, किसी के पास चले जाओ सबके आश्वासन मिलते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। जिस तरह से आपकी कॉलोनी के अंदर देखा जा रहा है, दो तरफा व्यवहार किया जा रहा है, कहीं कहीं जगह पर पक्की आरसीसी रोडें बनी हुई है, कहीं कच्चा बड़ी दयनीय स्थिति रोडों की, जो बने हैं वो भी तो सही तरीके से नहीं बने, व्यवस्थाओं के तरीके से नहीं बने, कहीं खुदाई हो जाती है, कहीं नाली नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, क्या बनना है? जिस स्थान पर आप खड़े हुए हैं और यहाँ पे जो दयनीय स्थिति दिख रही है रोड की, कितने वर्षों से ये स्थिति बनी हुई है? कॉलोनी बनी है तब से यही स्थिति है, 24-25 साल हो गए। क्या किसी शिकायत कभी उच्च अधिकारियों से की? कोई बचाई नहीं, जिसके पास नहीं गए हो।
आश्वासन मिला है, बस काम शुरू हो जाएगा, बजट पास हो रहा है, फिर पता लगता है कि बजट पता नहीं कहां का कहां पहुंच गया, कहां की रोडें बन गई, यहां की जगह ऑन पेपर बन गया, पास हो गया, क्या हुआ, क्या चाहते हैं, ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए, जन सुविधाएं, स्मार्ट सिटी इस तरीके से थोड़ी बनेगा।